दोस्तों, हर इंसान आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण होता है जिसे आप जानते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों जो आपके लिए बेहद खास होते हैं। आप भूल कर भी कभी नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को कभी किसी बात की कोई परेशानी हो, लेकिन कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन खास लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देने से नहीं चूकते। आज हम आपको ऐसे तीन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें भूल कर भी धोखा नहीं देना चाहिए। इन तीन लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर आप इनके साथ धोखा करते हैं दोस्तों, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और आपकी पूरी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। एक, माता पिता। शायद ही कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो अपने माता पिता से प्यार ना करता हो। माता पिता का स्थान हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई लोगों के लिए उनके माता पिता भगवान होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ कुछ गलत कर बैठते हैं या फिर शादी हो जाने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों को बता दें कि आपको इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है, इसलिए आपको कभी भी भूल कर भी अपने माता पिता के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। दो, पत्नी, आपकी जीवन संगिनी। पत्नी को जीवन साथी माना जाता है दोस्तों। पत्नी वो होती है जो आपका हर कदम पर साथ देती है, चाहे सुख हो या फिर दुख। पत्नी हर समय पति के साथ रहती है। अपने माँ बाप का घर छोड़कर वो अपने पति के घर आती है और उसका पति उसके लिए सब कुछ होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा देता है तो इसे भी भयंकर पाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी सुख शांति नहीं मिलती है और उसे हमेशा ही दुख में जीवन गुजारना पड़ता है। तीन, खुद को, यानी कि स्वयं को। कई बार देखा जाता है दोस्तों कि लोग खुद को भी धोखा देते हैं। जी हाँ, अगर किसी को मालूम है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है और वो फिर भी कुछ गलत कामों में लगा हुआ है, तो इसे खुद को धोखा देना ही माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं के साथ ईमानदार नहीं है तो वो कभी भी दूसरों के साथ ईमानदार नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले इंसान को खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए। जो इंसान खुद को धोखा देता है वो जल्दी बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट कर अपनी राय भी जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।